सोनीपत का राजकीय कन्या उच्च विद्यालय बाल मजदूरी का केंद्र बना हुआ है, जहां बच्चों से हर काम करवाया जाता है जो स्कूल के चपरासी वगैरह को करना होता है। एक ओर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और वही अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजते हैं, दूसरी तरफ सरकारी स्कूल के अध्यापक उन्हें बेटियों से मजदूरी करवाते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है सोनीपत के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय कड़ी घसीटा का, आप ही देखिए। इस संदर्भ में ये मामला मेरे संज्ञान में पहले नहीं था, लेकिन आपने जैसे बताया है और ये भी बताया कि इसकी वीडियो भी है, तो एक बार इसकी जांच कराएंगे और जो भी कोई दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि स्कूलों में सफाई के लिए चौकीदार और पीएंस की ऑलरेडी व्यवस्था की गई है, तो बच्चों से इस तरह का काम कराना बिल्कुल गलत है। तो अब मामला संज्ञान में आने के बाद इसकी जाँच करा करके दोषी कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। खबरों के लिए देखते रहिए गरिमा टाइम्स टीवी और पसंद आए तो प्लीज करें लाइक।